चैंपियनशिप में पंजाब से लुधियाना शहर के 11 बच्चों ने मेगा क्रू डिवीजन में गोल्ड मेडल लेकर अपने शहर का नाम रोशन किया। हिप हॉप एक्सपर्ट्स व कंपटीशन में भाग लेने वाले गोल्डी डांस विला के गोल्डी ने खास मुलाकात में बताया कि उन्हें आज अपने बच्चों पर गर्व है। आइए जानते हैं गोल्डी से उन हंसी पलों के बारे में। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वार्म वेलकम। द जॉब ऑफ फीट इज वॉकिंग बट देयर हॉबी इज डांसिंग एंड डांस इज द हिडन लैंग्वेज ऑफ सोल। जी हाँ, डांस करना किसे अच्छा नहीं लगता। टॉडलर्स, टीनेजर्स, यंगस्टर से लेकर एजिड पर्सन्स तक इतने अवेयर हो चुके हैं आजकल डांस को लेके, बिकॉज क्योंकि आजकल के डांस से हम फिटनेस से रिलेटेड भी अपने आप को कवर अप कर सकते हैं। और आज हम पहुँचे हैं स्मार्ट सिटी लुधियाना में गोल्डी डांस इंस्टीट्यूट में, जो एक बहुत ही फेमस और रेप्यूटेड डांस अकेडमी मानी जाती है लुधियाना की। और चलिए आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मिलवाते हैं गोल्डी डांस अकेडमी के ओनर मिस्टर गोल्डी से, जो हमसे शेयर करेंगे अपने डांस अकेडमी से रिलेटेड कुछ। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे आए हमारा मतलब कवर करने के लिए जर्नी, हमें बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। सो माय नेम इज़ गोल्डी, आई एम अ फाउंडर ऑफ जीडीवी क्रू और हम लोग लुधियाना से हैं। और हमारा सपना था कि हम लोग जो फील्ड में जा रहे हैं हिप हॉप में, बहुत कम लोग अभी बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग हो रहे हैं, बट स्टार्ट में कम लोग थे हिप हॉप में। तो हमारा ड्रीम था कि हम लोग एक बार इंटरनेशनल लेवल पे अपने पंजाब को रिप्रेजेंट करें, बिकॉज मैं बाहर कंपटीशन करने जाता था, मुंबई सीखने जाता था, तो वहाँ ऐसा होता था कि जब मैं बोलता था लुधियाना से हूँ तो लोग बोलते यार ये किधर पड़ता है, अगर मैं बोलूँ चंडीगढ़ से हूँ, अमृतसर से हूँ, तो वो बोलते हैं इट्स ओके ये पंजाब में होगा, बट उनको लुधियाना नहीं पता था। तो मैंने तब सोच लिया था कि मेरे को एक बार लुधियाना का नाम चमकाना है, जैसे चंडीगढ़ अमृतसर को लोग जानते हैं। तो उसी से मेरा ड्रीम शुरू हुआ था, मैंने कॉम्पिटिशन्स करने स्टार्ट किए, लोकल लेवल से लेके नॉर्थ लेवल तक विन किए, उसके बाद नेशनल लेवल में टारगेट बना, फिर एक बार हिप हॉप इंटरनेशनल में मैंने टीवी पे देखा और यूट्यूब पे देखा कि लोग किस तरह से मतलब जा रहे हैं, अपना इंडिया में भी एक क्रू है वो रिप्रेजेंट करके आए इंटरनेशनल लेवल पे लॉस वेगास में, तब से ड्रीम शुरू हुआ। 3 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे तो हम लोग 27th रैंक पे थे ऑल इंडिया में, उसके बाद सेकंड टाइम हम लोग गए तो हम लोग 17th रैंक पे थे। तो इस बार टारगेट था कि कुछ भी करके हम लोग को गोल्ड मेडल लेके आना है और इतनी मेहनत करेंगे कि मतलब खाली हाथ तो आना ही नहीं है। और वहाँ पे हम लोग गए, मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई रिहर्सल्स में, 2 लोगों की इंजरी हुई, हमारा बी बॉय था और लास्ट मोमेंट पे उसका बैक फ्रैक्चर हुआ, और रिहर्सल से मतलब कंपटीशन से 2 दिन पहले एक लड़की बीमार हो गई, उससे मतलब चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी करके हमने हिम्मत नहीं हारी, हमें ये था कि नहीं नहीं करना है करना है, और लास्ट मोमेंट पे हमने सेमीफिनाले में परफॉर्म किया। और परफॉर्म करने के बाद जब रिजल्ट आता तो हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे, हमें था कि किसी तरह फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पर हम लोग आ जाए। जब उन्होंने रैंक डिसाइड अनाउंस करने शुरू किए तो 3rd रैंक भी आ गया, हमारा नाम नहीं आया, 2nd रैंक आया, हमारा नाम नहीं आया, हम लोग बहुत डर गए। फिर उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट ग्रुप आया उन्होंने हिस्ट्री बना दी है यहाँ पे, इतना स्कोर आज तक किसी ने स्कोर नहीं किया यहाँ पे जितना ये लोगों ने स्कोर किया है फर्स्ट टाइम। तो हम लोग तो डरे पड़े थे, हमने कहा यार पता नहीं कौन होगा वो क्रू, हम बाहर ही तो नहीं हो गए, हमने इतनी मेहनत की है, और ग्रुप वाले रोने भी लगे। देन सडनली हमारा नाम अनाउंस हुआ GDV क्रू फ्रॉम लुधियाना, तो उससे ज़्यादा मतलब हमारे लिए प्राउड की बात कोई नहीं थी। हम लोग पहले तो समझ नहीं आया क्या करें, फिर हम लोग स्टेज पर चढ़े, कुछ बच्चों के हमारे साथ पेरेंट्स भी थे, वो भी ऐसे पागलों की तरह स्टेज पे, हम लोग सब नाचे हैं पागलों की तरह। फिर डे था नेक्स्ट डे फिनाले का, तो फिनाले में ना क्योंकि मेडल उसी में मिलता है, और टोटली मतलब 250 से ऊपर क्रूज होते हैं और सारे बाहर हो जाते हैं, फिनाले में सिर्फ 7 क्रू सेलेक्ट होते हैं, 7 क्रूज, और हम लोग इतने क्रूज को क्रॉस करके टॉप 7 में आए थे जिसमें हमारा 1st रैंक था। तो फिनाले में जाके जब हम लोगों ने परफॉर्म किया वहाँ पे स्टेज पे, मतलब परफॉर्म करने से पहले रिहर्सल्स कर रहे थे, फुल डे हमने रिहर्सल्स की कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे मार्किंग बहुत टाइट होती है और टोटली 11 जजेस होते हैं और अलग अलग स्टाइल्स के, वो 11 जजेस आपको ऐसे देखते हैं कि आप हल्की सी गलती करो और पॉइंट कट करें। तो हमें ये था कि एक भी गलती नहीं करनी, हमने बहुत रिहर्सल करी और 2 घंटे पहले मेरी फिंगर एक इंजर्ड होगी, बी बॉय था मेरे फिंगर पे आके लैंड किया और मेरी फिंगर इंजर्ड हो गई, मैं सब लोग बहुत डर गए कि अब क्या होगा, कि सर तो लीड कर रहे हैं और वो बी बॉय भी लीड कर रहा था, वो भी डर गया। फिर हमने फिर सोचा, भगवान को याद किया, वाहेगुरु को याद किया कि बस स्टेज पे साथ दे देना, बाकी कुछ नहीं चाहिए, आज लास्ट दिन है, और सबको मैंने अच्छे से बोला कि यार आज का दिन है, आज जो कर दिया हिस्ट्री बन जाएगी पंजाब के लिए। तो बस सब लोगों ने बोला सर टेंशन मत लो सब करेंगे, फिर हम लोग चढ़े स्टेज पे, बस वो फिर मैजिक हुआ स्टेज पे, किसी की कोई गलती नहीं हुई, सारा परफॉर्मेंस बहुत क्लीन हुआ, और
रिजल्ट का टाइम था, सेम वही हम लोग डरे हुए थे, कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ थे, बाद में जब रिजल्ट आने वाला वो हमारे साथ आके बैठ गए, सर क्या होगा सर क्या होगा, अब सर क्या बोले, सर खुद नर्वस है, मैं खुद डरा हुआ था, हम लोग नीचे मुँह करके बैठे थे यार क्या होगा क्या होगा। देन सडनली हमारा अनाउंस, मतलब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप ऐसी जगह जा रहे हो गोवा और जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से ख़तरनाक ग्रुप्स आ रहे हैं जिनको हम फॉलो भी करते हैं, जिनको हम देख के डांस करते हैं, वो ग्रुप भी वहाँ आए हुए थे। और जब नाम अनाउंस होने लगा गोल्ड मेडल के लिए तो हमें तब प्राउड असली फील हुआ, जो लोग हमें जानते नहीं वो हमारा नाम ले रहे थे। अराउंड कितने ग्रुप्स थे वहाँ पे? 250 250 को आपने कम्पीट किया है? और फिनाले में मतलब कम पहुँचे थे। वहाँ पे होता है ऐसे ऑडिशंस होता है, ऑडिशन के बाद प्रीलियम राउंड होता है, प्रीलियम राउंड के बाद सेमीफिनाले होता है, देन फिनाले होता है। दैट वाज वेरी टफेस्ट कंपटीशन की 250 ट्रूप्स के बीच में आपने कम्पीट करके आप अपने आप को फाइनल्स तक लेके आए और उसमें भी आपने वो गोल्ड मेडल विन किया। फर्स्ट टाइम तो हम लोग फाइनल भी नहीं पहुंचे थे, फर्स्ट टाइम हम लोग सेमीफिनाले से आउट हो गए थे, हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर ट्राई किया तो हम लोग फाइनलिस्ट थे बट कोई मेडल नहीं आया था। तो आपने अपनी होप्स लूज नहीं की हम कह सकते? हाँ, हम लोगों ने हार्डवर्क अपना कंटिन्यू रखा। और मैं सबसे बड़ी बात बोलूँगा, ये हमारा ऐसा ग्रुप था जिसमें प्रोफेशनल डांसर्स नहीं थे, सिर्फ हम 3 प्रोफेशनल डांसर्स थे जो पुराने परफॉर्म करते आ रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टेज चढ़ा, स्कूल भी नहीं गया। तो आपने उनको कैसे ट्रेन किया, मतलब कितनी देर आप उनको ट्रेनिंग देते थे अपनी इस एकेडमी में? हमारा मैम ऐसे होता था कि सबकी प्रॉब्लम थी, अगर मैं बच्चों को लग नहीं कर सकता था, बड़ों को लग नहीं कर सकता था, बिकॉज बच्चे डे में फ्री होते थे, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि नाइट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और जो बड़े थे उनकी प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग डे में नहीं कर सकते बिकॉज हमारा किसी का अकेडमी प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ना है या किसी कोई जॉब करता है पार्ट टाइम, तो ऐसे सीन था, तो बड़ा बहुत मैनेज करना मुश्किल था। फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि हम लोग प्रैक्टिस रात को 9 बजे के बाद करेंगे, तो हम लोग 11:30-12 o'clock तक इधर रात को होते थे और सारे सोए होते थे और हम लोग रात रात को प्रैक्टिस करते थे। दिन रात के इतने एफर्ट्स के बाद आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है? यस मैम, फाइनली मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड था वो मोमेंट, हम लोग आज भी याद करते हैं तो गूज़बम्स होते हैं कि यार हार्डवर्क, कहते हैं ना कि हार्डवर्क कभी फेल नहीं होता, वो चीज़ तब दिखी है हमें, आज तक ऐसा सिर्फ सुना था, वहाँ पे आके रियल में फील हुआ कि सच्ची में ऐसा होता है कि हार्डवर्क कभी फेल नहीं होता, आपने जो हार्डवर्क किया है उसका आपको एक दिन रिजल्ट मिलेगा, चाहे लेट मिलेगा। सर आप खुद कितनी एज से डांस फॉर्म में उतरे हैं, कब से आप डांस करते आ रहे हैं? मेरे को मैम ऑफिशियली सिखाते हुए 8 to 10 years हो गए हैं। सिखाते हुए बट खुद क्या छोटी एज में आप, मतलब इतना इंटरेस्ट था आपको डांस में? या मैं स्कूल टाइम से मतलब कर रहा हूँ, जब मैं 5th class में था तो फर्स्ट टाइम मैंने भंगड़ा किया था, ऐसे ही जनरली स्कूल वालों ने ज़बरदस्ती डाल दिया परफॉर्मेंस करनी है करो करो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था डांस में, तो ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि करना है करना है, मेरे को ज़बरदस्ती डाल दिया, और वहाँ पे ऐसा था इंटरेस्ट ना होने के कारण मैंने बहुत गंदा परफॉर्म किया, मैं भूला भी बहुत ज़्यादा डांस, तो बाद में प्रिंसिपल ने बहुत डांटा, और जो फिर मेरे को था कि यार मेरे को डांस करना है, कि मेरे को इतनी मेरी बेइज्जती हुई है स्कूल में, फिर आउट इंटरेस्ट आप गोल्ड मेडल लेके आए हमारे पंजाब हमारे इंडिया के लिए। फिर एक टीचर था लुधियाना में, वो सबसे पहले था बहुत पुराने टाइम पे, उसने रामलीला होती थी ना जैसे हमारे जनरली, तो उसने वहाँ पे परफॉर्म किया था, तो उसको देख के मेरे को मोटिवेशन हुआ यार मैंने इसके जैसा डांस करना है, तो मैं उसके पास सीखने गया, तो मैं सीख रहा था, वो बंदे ने मेरे को जनरली किसी बात पे बोला कि तू जिंदगी में कभी डांस नहीं कर सकता, कि तू डांस कर दिया तो मेरा नाम बदल दी, तो फिर वहाँ से मेरा अंदर पैशन जागा कि अब मैं इसको कुछ करके दिखाना है। वेरी गुड सर, ये एक बहुत पॉजिटिव बहुत प्लस पॉइंट है आई थिंक जो यहाँ पे सुन रहे होंगे लिसनर्स सबके लिए, कि आपने उस एक नेगेटिव पॉइंट को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे यहाँ पे काफ़ी डांस अकेडमी हम लुधियाना में देखते हैं, काफ़ी लोगों ने खोली हुई, आप अपने आप को उन लोगों से किस वे में डिफरेंट मानते हैं जो आप इतनी बड़ी अचीवमेंट आज आप पंजाब के लिए लेकर आए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंट आप दे रहे हैं अपनी डांस अकेडमी में? मैम ऐसा बोलूँगा कि देखो डांस अकेडमीज़ के बहुत सारे मोटिव होते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए खोलते हैं, कुछ लोगों का होता है कि हमारा जनरली बस शौक जो चल रहा है वो चलता रहे, और कुछ कम लोग ही होते हैं जो किसी पर्पस को लेके खोलते हैं कि हमारा ये टारगेट है। लुधियाना में काफ़ी सारी, मतलब आप ये सोच लो कि इतनी अकेडमीज़ है कि मे बी अगर हम ढूंढने भी जाएँ ना तो भी आप एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे, इतनी सारी अकेडमीज़ है। मेरे को खुद पता लगता है दिल्ली की, यार उस गली में भी अकेडमी खुल गई, इस बंदे ने भी खोली, जिसने 15 दिन सीखा उसने भी खोली, बिकॉज हमें तो बहुत टाइम हो गया, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी डांस में एक स्टडी है, जैसे आप लोग पढ़ने जाते हो हम लोग इनको थ्योरी करवाते हैं प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो हमारा ऐसे स्टडी चलती है, तो मतलब ऐसा होना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको ये पता लगना चाहिए कि आज के लेवल पे डांस किधर पहुंच चुका है, आप अभी भी उन्हीं चीज़ों में फंसे हो, बेसिक्स में फंसे हो, आप अभी भी बॉलीवुड में फंसे हो,
मैं चाहता हूँ कि मतलब हम लोग लुधियाना में मेरा अकेडमी खोलने का, मैं एक्चुअली मुंबई में था 5 ईयर से, तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, उन लोगों को देखा कि यार वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रह जाते हैं, पर वो लोग उनकी केयर ना करते हुए उनका टारगेट क्या होता है कि हमने जो गोल पकड़ लिया उसको पूरा करना है कैसे भी करके, चाहे कितना भी टाइम लगे। तो बस मैंने उनसे ही सीखा ये सब चीज़ें, फिर मैंने सोचा कि मैंने लुधियाना को आगे बढ़ाना है, मैंने अपने लेवल पर मेहनत करनी है। तो मैंने 2.5 ईयर से मेरे को ये एकेडमी मैंने खोली थी, और जो मैं जिनको इंस्पिरेशन मारता हूँ वो वर्ल्ड चैम्पियन है, वो लोग वर्ल्ड चैम्पियन है, वर्ल्ड जीते हुए हैं वो लोग। और उनको मैंने सर को बोला था, सुरेश सर है, उनको मैंने बोला कि सर आप प्लीज़ मेरी एकेडमी का इनोग्रेशन करो, मैं चाहता हूँ कि आप ही करो, क्योंकि उनको मैं 12 साल से फॉलो कर रहा हूँ, उनको देख के ही मैंने सारा स्टार्ट किया। तो सर ने बोला कोई बात नहीं बेटा तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैंने उनको बस ऐसे बोला, मैंने एकेडमी रखी, तो आज तक वो कभी जाते नहीं है कहीं भी ऐसे कोई भी बुलाए, तो फर्स्ट टाइम वो लुधियाना में आए थे हमारे इंस्टीट्यूट में। और ये सबको बात पता है, ऑल ओवर बहुत सब बंदे को पता है, बहुत बंदे आए थे तब हमारे, आपको सपोर्ट भी बहुत मिला। और एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपको लगता नहीं ऐसा कि डांस जो हम आजकल टीवी पे भी रियलिटी शोज आते हैं वहाँ पे डांस फॉर्म हमें कम देखने को मिलता है बट स्टंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं? यस मैम, मैं इसी बारे में भी मैं बात करने वाला था। एक्चुअली क्या हो गया है कि इंडिया में सीन क्या हो गया है, अभी लोग को समझ आना शुरू हो गया है, बट हमारी क्लास में भी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि क्या हमारा बच्चा उस रियलिटी शो में कर लेगा, इस रियलिटी शो में कर लेगा, आप उसमें करवा दो। तो मैं समझाता हूँ कि देखो रियलिटी शो जो है वो सिर्फ नाम रियलिटी शो है, उसमें रियलिटी नहीं होती, बिकॉज मैं खुद भी DID कर चुका हूँ, मैं खुद भी DID season 6 जो हुआ था उसमें मैंने कैप लेके आया हूँ, DID के मेरे पास है, तो मैं वो भी कर चुका हूँ। और उससे पहले हमने DID नेशनल पे एक रियलिटी शो था, उसमें हम लोग टॉप 4 में थे, हम लोग फर्स्ट थे लुधियाना के रियलिटी शो करने वाले। तो मैंने बहुत कुछ देखा वहाँ पे कि लास्ट मोमेंट पे आपके साथ क्या होता है, आपको कुछ भी दे देते हैं, ये करो वो करो, मतलब बहुत कुछ होता है। मैं ऐसे बोलूँगा नहीं क्योंकि हम लोग चैनल पे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी अंदर की मैं नहीं बोलूँगा, बट असली डांसिंग जो है वो बहुत अलग है। और आज के टाइम पे लोग को समझ आना शुरू हो गया, बिकॉज पहले ऐसे होता था कि हमें डांस सीखने के लिए जाना पड़ता था दिल्ली मुंबई, बट अभी ऐसा हो गया कि अभी आजकल कैंप प्लान्स हो रहे हैं, तो जो फैकल्टीज़ होते हैं बाहर के, इवन इंटरनेशनल फैकल्टीज़ आते हैं इंडिया सिखाने के लिए, तो आपके सिटी बाय सिटी ट्रैवल करते हैं, तो वो आपको असली डांसिंग के बारे में समझाते हैं। इवन हम लोग भी कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, हम लोग भी कैंप्स करने जाते हैं, अभी भी हमारा रिसेंट कैंप आ रहा है जिसमें हम लोग ट्रेनिंग कैंप देने वाले हैं लुधियाना के लिए, तो लोकल फैकल्टीज़ भी हैं, आउट ऑफ फैकल्टीज़ भी हैं। ABCD2 में भी आपने कोरियोग्राफ किया था, वो एक्सपीरियंस कैसा? परफॉर्म किया था, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बस मैम यही होता है कि ऐसे लगता है कि हाँ हम लोग है या नहीं है, एक ड्रीम होता है बस। जाते जाते हम पूछना चाहेंगे, आने वाले जो अभी आप जैसे गोल्ड मेडल लेके आए हैं, अब पंजाब को तो आपने कहते हैं ना कि नाम रोशन कर ही दिया, इंडिया को लेके अब आप क्या करने वाले हैं, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मैम ऐसा है कि हम लोग जब घर से निकलते हैं ना, हमारा जो टारगेट होता है वो हमेशा घर से एरिए से शुरू होता है, तो मेरा टारगेट भी ऐसे शुरू हुआ था, लोकल से सिटी लेवल, सिटी लेवल से स्टेट लेवल, स्टेट लेवल से नॉर्थ, अभी इंडिया, अभी हमने इंडिया लेवल को अचीव किया है, और अभी हमारा जो टारगेट है वो इंटरनेशनल है। मेरे को एक बार, बिकॉज हम लोगों ने अभी रिप्रेजेंट किया था अपने सिटी लुधियाना को और पंजाब को इंडिया लेवल पे, बट जो नेक्स्ट टारगेट है हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पे पंजाब को रिप्रेजेंट करना है, हम लोगों ने पंजाब का झंडा वहाँ पे लहराना है। आपकी प्रिपरेशंस पूरी चल रही हैं? यस मैम, आप देख सकते हो पीछे जो हमारा क्रू है वो लोग बैठते नहीं है, डेली प्रैक्टिस के लिए आते हैं, और मैं इवन बोलता हूँ कि रेस्ट कर लो, वो लोग नहीं करते, वो लोग बीमार हों कुछ भी, वो लोग प्रैक्टिस पे पहुँचते हैं और वो हार्ड वर्क करते हैं। बिकॉज मैं ये चीज़ बोलूँगा, देखो मैंने क्रू बनाया, मेरा सपना था, बट जो मेरा ग्रुप था अगर वो मेरा साथ ना देता तो मेरा ड्रीम कभी पूरा नहीं होता, उनकी मेहनत बहुत है। जाते जाते हम चाहते हैं कि लुधियानवीस को या जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को, तो हम चाहते हैं उनको एक मैसेज दीजिए कि डांस से रिलेटेड हम फिटनेस को भी ग्रैब कर सकते हैं, फिटनेस से रिलेटेड भी डांस इज मस्ट फॉर एवरीवन। या देखो डांस जो सबसे पहले है, अगर एक बोलते हैं ना हम लोग जब बहुत सारी हैप्पीनेस होती है तो हमारा नाचने का मन करता है, हाँ, और ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड इंडिया में भी अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो आप बड़े बड़े क्लब्स में जाओगे, इवन मैं भी यहाँ पे लुधियाना में बड़े बड़े क्लब्स में करवाता हूँ जो बड़े बड़े जिम्स हैं, तो वहाँ पे आप मानोगे वहाँ पे लोग जिम नहीं लगाते, वो लोग हमें आके बोलते हैं कि सर आप डांस करवाओ, आज आप भंगड़ा करवाओ, आज आप हिप हॉप करवा दो जो आप जीत के आए हो, तो उनका वहाँ से जो वर्कआउट होता है ना वो बाद में बोलते हैं यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम डांस करते करते हमारा इंजॉय में ही इतना वर्कआउट हो गया, हम लोगों ने 600 कैलोरीज बर्न कर ली, हम लोगों ने 700 कैलोरीज बर्न कर ली, इतना हम लोग जिम में नहीं कर पाते। तो फिटनेस के लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ है, और ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल जो आपको पता है कि नशे की ओर जा रहे हैं, बट अभी लोगों के टारगेट चेंज हो चुके हैं,
अभी वो लोग सोच रहे हैं कि अगर डांस हम लोग कर रहे हैं ना तो इसमें इतना बिजी हो जाएं कि वो चीज़ों के लिए टाइम ना मिले, तो वही हम लोगों ने टारगेट्स बनाए थे ताकि टारगेट्स में आप इतने घुस जाओ कि आपको किसी और चीज़ के लिए टाइम ही ना मिले। थैंक यू सो मच सर, अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी लुधियाना का नाम ऐसे ही चमकाएं जैसे आपने अभी गोल्ड मेडल यहाँ के लोगों को स्पेशली दिया है अपनी डांस एकेडमी की तरफ से। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ गोल्डी डांस एकेडमी के ओनर मिस्टर गोल्डी, जो एक बहुत बड़े लेवल पे अब इंटरनेशनल लेवल पे डांस क्लासेस ले रहे हैं और वो स्पेशली लुधियाना को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया फिटनेस से रिलेटेड कि डांस और फिटनेस अगर हम दोनों को एक साथ लेके चले तो लोग बहुत एंजॉयमेंट के साथ उस चीज़ को आगे कर सकते हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके, और हमने भी शेयर किए उनसे बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी। Thank you.